हेलो दोस्तों, वेलोतियो की तरफ से हायरिंग चल रही है और आपका जॉब का पोस्ट यहाँ पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रहने वाला है और यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे गाइस आपकी ये वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है एज वेल एज वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब रहने वाली है जो कि लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र इंडिया में। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग से अपना लोकेशन चूज कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स स्किल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल की तरफ। पहले तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास कोडिंग का नॉलेज है, कोडिंग एक्सपीरियंस है जावास्क्रिप्ट पाइथन गोलैंग जावा एक्सेट्रा एंड ऑल में, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपने ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है। आपके पास यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा सो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद बताया गया है आपके पास यहाँ पे वेब डेवलपमेंट रिएक्ट और नॉट जेएस का भी नॉलेज रहना चाहिए। यहाँ पे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के ऊपर, वेब एप्लीकेशंस एंड ऑल के ऊपर। यहाँ पे आपको डाटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स एंड ऑल के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है अगर आप यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल में पार्टिसिपेट किए हो, जैसे कि हैकर अर्थ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, SPOJ हो गया एक्सेट्रा, अगर आपने कोई भी कोडिंग कॉम्पिटिशन में अगर आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद बताया गया है अगर आपके पास यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज एंड ऑल का भी नॉलेज है AWS गूगल क्लाउड एंड ऑल के बारे में, तो यहाँ पे आपका एक और बोनस पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रहना चाहिए, गुड कोलेबोरेशन स्किल्स आपके पास रहना चाहिए। और उसके बाद फाइनली आपका बताया गया है BE/BTECH/MTECH के स्टूडेंट्स यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपके पास ये सारे कुछ बेसिक सा नॉलेज रहेगा तो आपका यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहेगा सिलेक्शन होने का। कंटिन्यू करते हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। पहले तो दोस्तों बताया गया है यहाँ पे आपको हाईली स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन एंड ऑल्स को बिल्ड करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना रहेगा बिल्डिंग शिपिंग एंड मेंटेन करने के लिए इनके कोर प्रोडक्ट फीचर्स एंड ऑल को। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे जो भी ट्रांसलेशन एंड ऑल के रिक्वायरमेंट्स रहेंगे डिजाइनिंग के, वायर फ्रेम्स के, हाई क्वालिटी कोड के आपको यहाँ पे करना रहेगा। यहाँ पे बताया गया है आपको यहाँ पे कोलैबोरेशन एंड ऑल करना रहेगा, क्लोजली वर्क करना रहेगा इंजीनियर टीम्स के साथ, डिजाइनर टीम्स के साथ, फाउंडर्स के साथ, प्रोडक्ट मैनेजर टीम्स एंड ऑल के साथ। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस एंड ऑल को फॉलो करना रहेगा, प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स एंड ऑल को फॉलो करना रहेगा विदाउट फेल। यहाँ पे आपको रिपोर्ट एंड ऑल करना रहेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड ऑल को IT टीम एंड ऑल को बताना रहेगा डिटेल में। ये कुछ आपके दोस्तों मेजर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इनके कुछ बेनिफिट्स एंड इनके कल्चर एंड ऑल के बारे में बताया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे घर पे बैठ के ये कुछ बेसिक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपकी एक एक्सपेक्टेड एवरेज एनुअल सैलरी ₹45,000 पर मंथ की रहने वाली है। बिलो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये जॉब अपडेट अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर देना और ऐसे ही डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर देना।